हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित सिंह और सोम टेक में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए बजाज एवेंजर 150 स्ट्रीट, जो कि वेरिएंट है जो हम इसका रिव्यू देने वाले हैं। सिंगल डिस्क में है और बाकी इस कंडीशन का हम रिव्यू देंगे। 3 साल हो चुके हैं इस बाइक को। चलिए इसकी हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं, बजाज एवेंजर है। एवेंजर का जो लुक है वो बिल्कुल जो पुराने पहले आता था 220 सीसी में, बिल्कुल वही लुक रखा गया है इसमें। थोड़ा इंक्लाइनेड है इसके टेलीस्कोपिक जो शॉक एब्जॉर्बर हैं इसके, और इसके अलावा इसमें सिंगल डिस्क है। डिस्क भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल भी नहीं घिसे, नहीं तो बाइक के डिस्क जो है घिस जाते 3 साल में तो। और बाकी का ये लीवर है इसका, हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है पूरा। और इसकी अगर रियर ब्रेक की बात करें तो उसमें भी जो हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा दिया गया है। एल्यूमिनियम पेंटेड है ये लीवर सारे। और इसका मीटर कुछ इस तरीके से, इसका मीटर जो है थोड़ा ख़राब हो गया है, और ये भी जो है गांव में यूज़ होती है, रफ टफ यूज़ होती है, इस वजह से मीटर भी ख़राब हो गया है इसका। और अगर इसके फ्यूल टैंक की और उसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बहुत सारे के सारे फ्यूल टैंक पे दे रखे हैं। फ्यूल टैंक मीटर है ये, बैटरी इंडिकेशन न्यूट्रल वगैरह का यहाँ पे है, और इंडिकेटर का ये है, तो इस तरीके से कुछ है। और इसकी जो है अगर हम इसकी की बात करें, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, वो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये बराबर में। और इसकी चाबी कुछ इस तरीके की है, बजाज का साइन लगा हुआ है एक, ये देखिए ये बजाज का साइन लगा हुआ है। बहुत छोटी सी चाबी है जो कि काफ़ी अच्छी भी लगती है बाइक के हिसाब से, और पूरा का पूरा वो घोस्ट राइडर वाला फीलिंग आता है इस पर बैठने के बाद में एकदम घोस्ट राइडर वाला एकदम लुक आता है, जो कि घोस्ट राइडर आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड, बिल्कुल सेम वही फीलिंग आती है इसमें। और बाकी का इसका बात करें इसके जो है गियर वगैरह की, तो इसके फुट रेस्ट थोड़े आगे को दिए गए हैं। इसके जो गियर लीवर पे है यहाँ से जो है मोबिल ऑयल टपक रहा है थोड़ा सा, वो भी अभी चेक अभी थोड़े दिन से हुआ है, तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। और इसके इंजन की बात करें, इंजन पे बिल्कुल भी एक जंग भी नहीं है, और प्रिंटेड है पूरा इंजन। बाकी की बाइक में आपने देखा होगा जंग लग जाता है इनमें बाइक्स में, और बाकी का इसमें जो है ये पीछे आता नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए होती है, तो फुटरेस्ट दे रखा है ये सारी चीज़ें। और अगर हम इंडिकेटर की बात की जाए, इंडिकेटर के बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा हमने प्लेटिना का रिव्यू दिखाया था। इसके बाद में इसकी टेल लैंप की बात करें तो टेल लैंप कुछ इस तरीके की दिखाई गई है, जो कि बिल्कुल पीछे से भी बिल्कुल अच्छी फीलिंग देती है। जो कि अब इसके बाद में बात करें इसका टायर है 130/90/15, काफ़ी चौड़ा टायर दे रखा है, ताकि ये थोड़ा रोड पे स्किड ना करे इतनी जल्दी। लंबी बाइक है तो थोड़ा मोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए स्पीड में, तो उस तरीके के हिसाब से बनाया गया है। और ये है रियर शॉक एब्जॉर्बर, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और काफ़ी सही से लोड वियर करते हैं। और ये फुट रेस्ट है ये, और साइलेंसर पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। थोड़ा सा बस ये थोड़ा पेंट हट गया है, उसका कोई इश्यू नहीं है, वो पैर रखने की वजह से हट गया है। बाकी का जो रियर ब्रेक है वो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम दे रखा है रियर ब्रेक का पूरा का पूरा। और उसके बाद में इंजन की तो कंडीशन एकदम बेहतरीन है, DTSI इंजन है, डुअल ट्विन स्पार्क इग्निशन। अब उसके बाद हम बात करें इसके लेग गार्ड भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, थोड़ा सा गिर गई है बस, उसकी वजह से ये स्क्रैच है, बाकी का लेग गार्ड भी अच्छा है। यानी कि बजाज एवेंजर काफ़ी सही बाइक है। हम इसकी बात करें लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है ये। लॉन्ग राइड पे आप 4 से 5 घंटे के लिए आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इस पर, बिल्कुल भी बिना थकान के, काफ़ी अच्छी है लॉन्ग राइड के लिए। और बाकी का मैं आपको अब इसे स्टार्ट करके और दिखाता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है वो, और दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि बैठने के लिए एकदम कंफर्टेबल है, पैर ऐसे हो जाते हैं अपने आराम से, तो क्या आप बहुत रिलैक्स होकर चला सकते हैं इस बाइक को, ठीक है ना। अब इसको हम स्टार्ट करके और दिखाते हैं। इसकी आवाज़ सुनिए, धुआं तो बिल्कुल आता ही नहीं है। और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करें, सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दे रखे हैं। ये न्यूट्रल का है, और ये लाइट वाइट का यहाँ पे है, ये जल रहा लाइट का, इंडिकेटर का भी यहीं पे है,
तो यही स्पेसिफिकेशंस हैं इसके, सारे के सारे फ्यूल टैंक में दे रखे हैं। तो लॉन्ग राइड के लिए मैं प्रेफर करूँगा आप इसी बाइक को ख़रीदें। ये 150 सीसी में है, काफ़ी अच्छा वेरिएंट है इसका, ये बजाज का, माइलेज भी थोड़ा सही दे देती है ये। अब एग्जैक्ट मालूम नहीं है कितने का माइलेज देती है, तो आप देख सकते हैं बाइक कितनी अच्छी है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपके लिए मैं पहले भी प्लेटिना का रिव्यू लेके आया था और CBZ का भी रिव्यू लेके आया था, आज मैं अवेंजर का रिव्यू लेके आया हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही रिव्यू लाता रहूँगा और वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए शुभम टेक के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।